ना मतलब ऑसम लग रहा है एकदम, मतलब जितना कैमरा में नहीं आ पाएगा ना उतना भाई इसमें। हेलो हेलो फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और मैं भी बहुत ही मस्त हूँ गाइज। और गाइज आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ गाइज, बिकॉज गाइज मेरे को बहुत तेज़ बुखार था गाइज, और मेरे को क्या गाइज मेरा फुल फैमिली को बुखार था, तो उस सिचुएशन में गाइज मैं वीडियो नहीं बना पाया। और बाकी गाइज मैं एक स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा मतलब समझ ही पा रहे हो आप लोग, तो इसी कारण गाइज नहीं ब्लॉग बना पाया। तो गाइज अभी मैं एकदम फिट हो गया फिर से गाइज, मैं पहले जैसे पहले से भी गाइज मैं कोशिश करूँगा एकदम रेगुलर ब्लॉग बनाने का, जैसे डेली ब्लॉग हो सके। डेली ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगा गाइज इतना मुझे पता है, क्योंकि गाइज मैं एक स्टूडेंट हूँ इसीलिए गाइज नहीं बना पाऊँगा डेली ब्लॉग। तो गाइज मैं कोशिश करूँगा एकदम रेगुलर ब्लॉग बनाने का, जैसे एक हफ्ता में 4 या 5 ब्लॉग ऐसा कर डालने का, 4, 5 या 3 जितना भी जितना हो सके उतना मैं ब्लॉग डालने का कोशिश करूँगा गाइज। और इस सिचुएशन में गाइज मतलब बहुत लेट हो जाता है, तो गाइज मुझे भी थोड़ा मतलब ख़राब लगता है कि कितना दिन पहले ब्लॉग डाला था उसके बाद नहीं डाला हूँ। तो गाइज ये अभी ये सबको गाइज रखते हैं साइड पे। तो गाइज आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो आप लोगों को थंबनेल टाइटल वगैरह देख के इंट्रो देख के पता चल ही गया होगा वीडियो का। जी हाँ गाइज आज मैं जाने वाला हूँ शिव शक्ति धाम, जो कि बहुत ही फेमस है गाइज दुर्गापुर में, और दुर्गापुर का सबसे बड़ा शिव मंदिर भी कहा जा सकता है गाइज, मतलब बहुत ही बड़ा है गाइज। और ये इससे पहले अगर आप लोग जानते होगे तो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए गाइज आप लोगों को भी पता हो सकता है गाइज शिव शक्ति धाम के बारे में। और बाकी अगर नहीं पता रहेगा तो आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, पूरा आप लोगों को डिटेल्स में पता चल जाएगा। और बाकी गाइज आज मतलब मैं सोचा सोमवार को जाऊंगा, पर सोमवार को मैं नहीं जा पाया गाइज, मतलब कुछ मतलब मेरे स्कूल का कुछ काम आ गया था इसीलिए गाइज मैं सोमवार को नहीं जा पाया। तब गाइज आज मैं जा रहा हूँ, आज है गाइज मंगलवार, तो कल था सोमवार, आज मैं जा रहा हूँ। तो चलिए गाइज अभी चलते हैं शिव शक्ति धाम का, और वो है गाइज दुर्गापुर का गोपाल मठ में। तो अभी चलिए गाइज चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करके डायरेक्ट मतलब बाइक से मैं जाऊँगा तो थोड़ा बाइक का भी व्यू दूंगा। तो चलिए गाइज सीधा चलते हैं शिव शक्ति धाम के। अभी फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं शिव शक्ति धाम में, और ये है गाइस मेन गेट मेरे पीछे, और ये गाइस पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आपको जूता चप्पल जो भी आप लोग पहन के आएंगे वो खोलना पड़ेगा, और यहाँ पापा बाइक को पार्क भी कर दिए हैं। और बाकी ये मेरा पीछे आप लोग देख ही सकते हैं, ये है काली मंदिर, क्योंकि मेरा पीछे आप लोग देख पा रहे हैं काली मंदिर है ये। तो अभी गाइस हम लोग कुछ थोड़ा जल्दी आ गए, जल्दी बोले तो गाइस अभी हम बज रहा है 4:35, तो ये 5 बजे खुलेगा अभी, और 25 मिनट इंतज़ार करते हैं, तब तक आप लोग गाइज सिनेमैटिक एंजॉय करिए। सो आप लोग एंजॉय करते रहिएगा। तो गाइज अभी फाइनली खुल चुका है मंदिर, और अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं गेट से, और सबसे पहले एक लोग को देखने को मिल जाता है मस्त सा तालाब, अंदर आप लोग देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर मछली भी है गाइस, इतना ऑसम लग रहा है मछली। Thank you.
लोग मछली देखे गाइस, कितना कलरफुल मछली था, कितना बड़ा बड़ा था। आप लोग अभी जस्ट अभी देखें तो बहुत कोई वीडियो बना रहा है, देख सकते हैं वहाँ पर कितना गाइस, मतलब कितना अच्छा लग रहा था गाइस। एकदम छोटा छोटा था, मतलब कलरफुल वाला है, फिर भी इतना बड़ा बड़ा था। और बाकी इतना बड़ा बड़ा भी मछली था उसके अंदर, आप लोग अभी जस्ट देखे होंगे। तो एक बार अगर आप लोग अच्छा से नहीं देखे तो फिर से एक बार इसका पहले वाला देखिए। और बाकी यहाँ देख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ बैठने का जगह पर भी है। और अभी चलिए आगे चलते हैं मंदिर की ओर। उसके बाद गाइस मंदिर आप लोग देख के मैं बता रहा हूँ एकदम दिल खुश हो जाएगा गाइस, इतना मतलब मौसम आप लोगों को लगेगा। तो अभी चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। ये आगे है क्योंकि पर हमें थोड़ा थोड़ा, और ये है गेट। अभी हम लोग इधर जाए वो है मेन गेट, उसके अंदर में ये वाला गेट है। तो ऐसे भी चलिए चलते हैं ये गेट के अंदर, उसके बाद मंदिर पे एंटर करते हैं, उसके बाद मंदिर का आप लोगों को दिखाते हैं। एंट्री कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा इस मेरा पीछे का व्यू, एक बार देख पा रहे हैं कितना मौसम है, देख ही सकते हैं गाइस कितना मस्त। बहुत ही मस्त है गाइस, अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद आप लोग पहले के बाद आगे का पूरा आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। और वीडियो में बने रहिए और वीडियो का मजा करते रहिए, वीडियो को देख। ये है गाइस मंदिर का गेट, मतलब गेट बोले तो ये एकदम मंदिर का गेट इसी साइड है। कितना मस्त लग रहा है गाइस, एक बार देखिए कितना ऑसम लग रहा है। बाकी गेट पे हम लोग को तो मस्त मिल जाएंगे, लोग चेक करिएगा इस कितना मतलब मस्त है। इसके बाद एक यहाँ पर घंटा है, एक बार बजाते हैं देखिए सकते हैं गाइस ये हाथी को कितना ऑसम से डिजाइन किया गया है। फिर भी देख कितना मस्त है गाइस। तो गाइस आप लोग अभी चलिए अंदर चलते हैं और आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहते हैं। कितना ऑसम से, कितना अच्छा कलाकारी देखिए गाइस एक बार, पत्थर के ऊपर कितना मस्त बनाया है, देख ही पा रहे हैं गाइस आप लोग कितना ऑसम बनाया गया है। स्ट्रक्चर देखिए सर, देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा है। और यहाँ गाइस बहुत कोई बैठ सकता है यहाँ पर, अभी सब लोग यहाँ पर अभी दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को भी अभी गाइस दर्शन करने का मौका मिलेगा। सो ऐसे भी चलिए आप लोगों को अभी दिखाते हैं हमारा महादेव जी को। सो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग देख ही पा रहे कितना मतलब, ये साइड का व्यू है मंदिर का, कितना मस्त लग रहा है देख ही सकते हो आप लोग साइड का व्यू। बाकी आप लोग डिजाइन देखिए एक बार, ये आप लोग एक बार डिजाइन देखिए। साइड में जो बहुत बड़ा गाइस ये हॉल कह सकते हैं, बहुत बड़ा महाराज। और आगे आप लोग अभी देखने जा रहे हैं तो देख ही सकते हैं। और ये आगे हमारा शिवलिंग हर हर महादेव। बाकी यहाँ पर गाइस हमारा शिव जी और पार्वती जी, हर हर महादेव। बाकी आप लोग नंदी महाराज, यहाँ पर है हमारा
और यहाँ पर बात करते हैं जैसे सर तो गाइस आप लोग देखिए गाइस कितना मतलब ऑसम लग रहा है एकदम, मतलब जितना कैमरा में नहीं आ पाएगा ना उतना गाइस इसमें डेकोरेशन और इतना मतलब ऑसम लग रहा है ना, मतलब क्या ही और बोलने का वर्ड नहीं है गाइस कितना मतलब लग रहा है कैसा। और आप लोग कैमरा में भी देख के आप लोगों को पता चल रहा ही होगा कितना मस्त लग रहा है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मस्त है गाइस। तो देख ही सकते हैं तो आप लोगों को अभी पूरा फुल स्ट्रक्चर दिखाएंगे मंदिर का। तो ये गाइस राजस्थानी डिजाइनर ने डिजाइन किया है, तो मतलब समझ ही पा रहे बहुत मतलब एक एक पार्ट जो है बहुत ही मतलब ध्यान से बनाया गया है और पत्थर के ऊपर ये बनाया गया है, तो मतलब आप लोग सोच ही पा रहे होंगे तो कितना मतलब क्या ही और बोलूँ, उस वर्ड नहीं है बोलने का, वैसा बनाया गया है गाइस। तो अभी चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहिए, बाकी मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। मंदिर के ग्राउंड घूम लेते हैं और बैक आगे सब जगह आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोग वीडियो एंजॉय करते रहिए। नाइट में गाइस और भी मतलब कलरफुल लगता है, अगर आप लोग रात में आएंगे तो बहुत ही मस्त लगेगा गाइस देखने में। ये है गाइस बैक का व्यू, मंदिर का बैक का व्यू गाइस आप लोगों के सामने ही है। तो गाइस अभी घर जाने का वक्त आ गया है, बहुत देर से गाइस रील्स वगैरह बनाया, उसके बाद वीडियो भी शूट किया बहुत देर से, तो अभी गाइस घर जाने का वक्त आ गया है। तो गाइस अभी हर हर महादेव करके यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे और क्या होता है। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं अभी, उसके बाद देखते हैं और क्या होता है। सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं चाय मिनिया में, क्योंकि मेरा आगे देख सकते हैं। और गाइस यहाँ दुर्गापुर से अगर रानीगंज आप लोग अगर गुजर रहे हैं तो यहाँ का चाय जरूर पीजिएगा गाइस, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तभी देखते हैं चाय कहाँ है मुझे, उसके बाद गाइस अभी हमारा चाय आ गया, बहुत ही गर्म है गाइस। अभी मैं चाय इंजॉय करता हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो मिलते हैं गाइस आगे। गाइस आप लोग का चाय पीना हम लोग घर पहुँच चुके हैं और अभी वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है गाइस। और गाइस मैं जैसे कहा कि मैं अभी रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगा, तो 15 अगस्त गाइस आने वाला है, क्योंकि गाइस तब से मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ, तो तब से गाइस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रेगुलर ब्लॉग। तो अभी गाइस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और गाइस आप लोगों को आज शिव शक्ति धाम का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा गाइस, और मैं कैसा ब्लॉग बना पाया ये भी कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज मैं बहुत दिन के छुट्टी के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी गाइस अभी तो मैं घर आके फ्रेश हो गया, उसके बाद अभी खाना वगैरह खाऊंगा, उसके बाद सो जाऊंगा आराम से, फिर कल स्कूल है भाई, इसीलिए गाइस स्कूल का वजह से गाइस थोड़ा ये मेरे को दिक्कत हो रहा है, और बाकी मेरे को बुखार था इसीलिए गाइस पहले मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी गाइस मैं फिर रेगुलर ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग अगर हम लोग का मेरा चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो थोड़ा सा जल्दी लगा तो एक लाइक करके शेयर भी कर देना गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई और दमदमार वीडियो।